हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे स्वीट्स हैं जो इंगेजमेंट में की हैं और इसमें से निकाल के और जो कॉलोनी होती है उसमें बांटने होते हैं, तो काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग लग रही थी। एंड मम्मी इसको निकाल के और जिसको जिसको देना है वो दे देंगी। फ्रूट्स भी हैं, स्वीट्स हैं एंड ये अलग से पैकेट हैं स्वीट्स वाले, तो इसमें से मैं सोच रही हूँ निकाल के, भाई मांग रहा था तो उसको देने के लिए, और इसमें से भी निकाल के रखने हैं। तो और जितने भी रिलेटिव्स होते हैं हमारे घर में, स्वीट्स जो भी होते हैं ना सब दिए जाते हैं, तो उसको निकालना। और मैं यहाँ पे देख रही थी क्योंकि मुझे स्पर्श मांग रहा था स्वीट्स, और जब स्वीट्स बच्चे देखते हैं ना तो उन लोगों को खाना ही होता है, तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा खा सकता है। तो इसमें से भी मैंने चेक किया तो ये भी वो नहीं खाता है। और उसके बाद फिर मैं इसके बाद वाला जो पैकेट था उसको मैं चेक कर रही थी कि इसमें कौन सा स्वीट्स है, तो इसको मैंने निकाला। और ये सारे ना थैले में ही हैं, तो जैसे आया हुआ था वैसे ही बस सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और कल रात में हम आए थे, आज सुबह हम सब उठे हैं 8:30-9 बजे के आसपास की सबकी नींद खुली है। और ये इसमें से मैं स्पर्श को दे दे रही हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करने वाली हूँ फेस वॉश। रिसेंटली मैं अपनी स्किन केयर में कुछ नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड किए हैं, तो उसकी रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही जाती हूँ। तो मैं अभी लगाने जा रही हूँ वाओ का स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, जो मैं आपको पहले भी ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। एंड इसका मुझे रिव्यू आज कर, क्योंकि अभी शाम के हो गए हैं, 3 बजे के आसपास का टाइम है, तो मैं शाम को फेस वॉश कर। इसमें नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट एंड नो कलर है, बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं है। और ये हेल्प करता है आपकी स्किन को लाइट करने में, ब्राइटनिंग करने में और आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करने में। एंड ये रिड्यूस करता है अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस हैं तो उसको भी ये कम करता है। एंड हेल्प करता है आपका जो कॉम्प्लेक्शन होता है उसको थोड़ा सा बढ़ाने में, मतलब आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी पहले से ज्यादा ब्राइट हो जाएगी एंड स्मूथ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो मैं इसको कुछ टाइम से यूज कर रही हूँ और पहले के ब्लॉग्स में दिखाई रही हूँ, तो बस मैं अभी जा रही हूँ इसको फेस वॉश करने। और इसका बेस्ट मैं चीज बताऊँ इस फेस वॉश का, तो इसमें है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है सिलिकॉन का ब्रश, जो जिससे अगर आप फेस वॉश करते हैं तो आपके जो टी जोन है, अगर आपके नोज के साइड में अगर ब्लैक हेड्स हैं तो भी अच्छे से स्क्रब, जैसे आप स्क्रबिंग करते हैं उसी टाइप से आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपको प्रेस करना है ऐसे। एंड प्रेस करने के बाद इसमें से निकलेगा फेस वॉश और आपको थोड़ा थोड़ा अपने फेस पे रब करना है। और रब करने पे अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है आपकी और एक्स्ट्रा ऑयल आ जाते हैं तो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और आपको बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील होगा। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फेस वॉश, इसका डेमो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इसकी जो प्राइस है वो मैं बताऊँ, इसकी जो प्राइस है वो 399 है एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 इयर्स की है, तो 2 इयर्स काफी अच्छी सेल्फ लाइफ। अगर इसको कोई भी परचेज करेगा तो उसके बाद उसको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि वो दूसरी बार खरीदना चाहेगा ही। चलिए मैं इसको यूज करती हूँ, यूज कैसे करना है ये भी आप लोग देख लो। तो इस फेस वॉश में यहाँ से थोड़ा सा प्रेस करना होता है, और ये है एक फोमिंग फेस वॉश, और इसमें से अब प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा फेस वॉश इससे निकलेगा बाहर, और उसके बाद इस तरीके से आपको रब करना है आपको अपने पूरे फेस पे, और हल्का हल्का आपको मसाज करना है। और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है फेस वॉश, और उसके बाद मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। एंड वॉश करने के बाद आप मेरे फेस का ग्लो देख सकते हैं, कितने अच्छे से ग्लो आया है। और उसके बाद थोड़ा ड्राई करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी, तो काफ़ी अच्छा मेरे फेस पे ग्लो आया है। एंड इस क्रीम के बारे में बताऊँ तो ये हमारे स्किन को अगर रिड्यूस करता है, अगर आपके फेस पे फाइन लाइन्स हैं तो उसको भी रिड्यूस करता है, अनइवन स्किन टोन होता है उसको भी कम करता है, एंड आपके फेस को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग बनाता है। और इसको इसमें नो पैराबीन, नो केमिकल, नो कलर, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एंड इसकी जो प्राइस है 399 है, और इसकी जो सेल्फ लाइफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ है, तो सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी दी हुई है। एंड इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी लेकिन उसके बाद ये था, और कार्डबोर्ड पैकेजिंग पे जो कुछ भी मेंशन होता है वो यहाँ भी मेंशन होता है। और इसकी जो क्वांटिटी फेस वॉश की दी हुई है वो 100
100 ml दी हुई है और ये एक फोमिंग फेस वॉश है। और इसकी खास बात ये है कि इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही अच्छा है, इससे आपको फेस वॉश करने में काफ़ी इजी हो जाता है और ये आपको आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। और इसकी जो ब्रश दी हुई है उसकी ब्रश की हेल्प से आप मसाज करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। और इसमें है विटामिन सी जो आपके फेस को ब्राइटनिंग बनाता है, लाइटिंग बनाता है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे घर में बनने जा रहा था खाना, तो यहाँ पे ग्राइंड करने जा रही हूँ मैं। इसमें लहसुन है एंड हरी मिर्च को इतना सारा कट किया हुआ है, तो इसको मैं ग्राइंड कर दूंगी मिक्सर में। और मम्मी इसको कट कर रही थी और प्याज भी कट कर रही हैं। देन उसके बाद आज है मेरे भाई का बर्थडे और शाम का टाइम था, यहाँ पे मैगी बनी हुई थी जो यहाँ पे सानवी खा रही है मैगी और स्पर्श ने भी खाया, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर भी छा कर उनको दे दिया गया है। यहाँ पे स्पर्श खा रहा था एंड यहाँ पे सो रहा है बाबू जो बहुत ही क्यूट सा लग रहा था, तो मैंने इसका थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और अभी 1 month का भी नहीं हुआ है ये। एंड हमारे घर में मैं बताई थी कि वाइट वॉश हो रहा है तो यहाँ सारा कुछ ना पेंट हो रहा था, तो मुझे ये रूम थोड़ा ठीक करना था क्योंकि हमारे पूरे घर में पेंट हो रहा था। और यहाँ पे क्या था ना कि सारा गंदा हो गया और भाई का बर्थडे है तो कैसे भी तो सेलिब्रेट करना ही है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से मतलब गिफ्ट के तौर पे मैंने अपनी तरफ से केक मंगाया है, तो ये है उसके लिए केक। और आजकल जो भी चल रहा है ना, सारे शॉप्स वगैरह बंद हो रहे हैं, तो बस जैसे तैसे मिल गया, बस वही काफ़ी था ऐसा लग रहा था, तो मिल गया। अच्छा केक था, खाने में भी बहुत टेस्टी था, तो मैंने थोड़ा सा केक का भी सूट कर लिया है। और काफ़ी दिनों बाद हम सब साथ थे तो हम सोचे कि चलो बर्थडे तो मना ही लेते हैं। एंड उसके बाद स्पर्श काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था, तो मम्मी से मैं बोली, फिर मम्मी ने ये चने एंड इसमें थोड़ा सा मक्का है ये मम्मी ने खाने के लिए दिया है स्पर्श को, तो वो खा रहा है बस उसमें से, बस वो चने ही खा रहा है और मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देन मैं आ गई थी रूम में और रूम को थोड़ा बहुत ठीक तो करना ही था, तो मैंने सोचा कि एक साइड का मैं सोफ़ा वगैरह जो भी है ना उसको लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा केक वेक अच्छे से कट हो जाए। नहीं तो यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं फर्श भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है और मैंने कुछ बलून भी फुला दिए थे, तो वो बलून जितने भी फुलाई थी मैं डेकोरेट करने के लिए, बट यहाँ डेकोरेट करने के बजाय स्पर्श और शानवी दोनों लोग मिलके और उसे बस फोड़ने में लग गए, कितने सारे बलून उन लोगों ने फोड़ लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि एक भी बलून मैं इसको ना डेकोरेट कर पाऊँगी, तो बस इसी तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी आ गई हैं दरवाजे पे और मैं सोची कि चलो सोफ़ा वगैरह जो भी है ना ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे मैंने जो गद्दा था सोफ़ा का वो मैंने सेट कर दिया है एंड ये देखिए कुशन का क्या हाल है। और ये दोनों लोग इसको क्या करते हैं ना, घर बनाते हैं, कुशन जो है जो गद्दा है ना सोफ़ा का वो लेके घर बनाते हैं स्पोर्ट्स और शानवी और उसी में बैठते हैं और उसी में खेलते हैं। तो इसका जो कवर था सोफ़ा का उसको मैं सही कर दे रही हूँ जैसे तैसे, बस बर्थडे मन जाए, क्योंकि हम जो भाई बहनें हैं ना बहुत टाइम बाद साथ में हैं, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि जब मेरा भाई 10th में था उस टाइम पर शायद मैं उसके साथ थी, उसका जब बर्थडे मना था उसके बाद में उसके बर्थडे में कभी साथ नहीं रही हूँ, तो उसके बाद में फर्स्ट टाइम उसके साथ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद वो फिर पढ़ाई करने के लिए चला गया और घर पे नहीं, जब होता है ना कि जब कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाए उसके बाद तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि टाइमिंग सबकी सेम नहीं होती है। एंड यहाँ पे सानवी की मस्ती चल रही है बलून और साथ में स्पर्श भी सामने है, वो बेड पे बैठा हुआ है वो खेल रहा है। मैंने उसको बोला कि आप साइड में चले जाओ, तो सानवी चली गई साइड में। एंड ये कुशन भी बहुत ही गंदा हो गया है, लेकिन हो रहा है ना कि जब पेंट वगैरह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डस्ट है, हद से ज़्यादा डस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लीन कर दे रही हूँ ताकि हमारा जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए। आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ऐसे निगेटिव कॉमेंट्स मत करिएगा कि घर कितना ज़्यादा गंदा है, इस टाइम पर ऐसे ही हो जाता है। और पूरा क्या है ना कि पहले ग्रीन शेड में था हमारा जो वॉल का कलर था, लेकिन अब वाइट करना है तो उसको पूरा घिस के निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह गिरते हैं और घर तो गंदा हो ही जाता है। एक रूम में पूरा बंद करके होता है फिर भी सारे जगह डस्ट वगैरह सारा सामान फैला हुआ है एक रूम की वजह से। और इसके बाद फिर हमारा आगे का जो है वो सब पेंट होगा, क्योंकि शादी, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे शादी कब है, तो शादी अप्रैल में है
एंड यहाँ पे हम सब रूम में आ गए हैं और मैं मम्मी लेके आ गई केक एंड मेरी दी भी आ गई हैं, पापा भी आ गए हैं एंड बाबू का भी नाम नहीं रखा गया, उसका नाम क्या होगा पता नहीं, देखते हैं क्या उसका नाम रखते हैं। तो ऐसे ही अभी सब उसको बाबू बोलते हैं, प्रिंसू बोलते हैं, कुछ ना कुछ जो मर्जी हो वो सब लोग बोलते रहते हैं, कुछ नाम ही नहीं है। यहाँ पर मैं आ गई थी, स्पर्श काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर रो रहा था, उसको भूख लग गई थी तो मैं बिस्किट लेके आई कि वो खा ले। यहाँ पर जो मेरा बड़ा भाई है राहुल, वो लिया हुआ है बेबी को, तो वो उसको कोई ना कोई लिया है क्योंकि इतना छोटा है अभी, उसको लेना ना उसको संभालना बहुत इस टाइम पे मुश्किल होता है, तो एक कोई ना घर में उसके पे बिजी होता ही होता है। एंड यहाँ पे परी की मस्ती चल रही है, उसको बच्चों को स्पर्श भी काफ़ी खुश है कि केक आ गया, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि केक कब मिल जाए मिल जाए, तो उन लोगों का है ना कि केक कटे और हम लोग खाएं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। परी शानवी तो यहाँ पे डांस कर रही है एंड उसका नाम परी भी है एंड यहाँ पे स्पर्श भी है, तो स्पर्श भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि केक कटने वाला है, लेकिन भूख की वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो बिस्किट खाने में लगा हुआ है क्योंकि मैगी भी ना ज़्यादा नहीं खा पाया था। बस यहाँ पर बर्थडे हमारा मेरा भाई बैठ गया है केक कट करने के लिए और मैं सोची कि चलो मेरा साथ साथ ब्लॉग भी बन जाएगा क्योंकि काफ़ी दिनों बाद सारे घर के लोग साथ हैं और सबका ब्लॉग भी बन जाए। तो ये है मेरी फैमिली, मतलब मेरे मायके की फैमिली से आप लोग मिल लो, मम्मी पापा भाई, दो भाई हैं और दो सिस्टर हैं हम। एंड यहाँ पे फोटो क्लिक्स वगैरह भी हो रहे हैं और अभी जो बेबी है वो रो रहा है, पापा उसको लिए हुए हैं और यहाँ पे सानवी की मस्ती चल रही है एंड फोटो क्लिक के केक का होता है ना कि, और यहाँ मुझे स्पर्श और सानवी को देखो आप कैसे कर रहे हैं, स्पर्श तो रो रहा था और जब एंड टाइम आता है ना, एंड वक्त आता है, अच्छा मौका आता है, उस टाइम पे स्पर्श पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं, और या तो उसको नींद आएगी या भूख लगी रहेगी या कुछ भी होगा। यहाँ पे मुझे फिर से बिस्किट मांग रहा था, मैं बोली कि नहीं आपको बिस्किट नहीं लेना है, अब आप केक खाना, तो मम्मा ने उसको बिठा दिया है, मामा बोली कि मामा जी के पास जाओ और आप बैठो। तो बस केक कटने वाला है और हमारा जो छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है क्योंकि इस टाइम पर कुछ भी ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि बाहर क्या चल रहा है, क्या हालात है यहाँ के, हर जगह के हालात सेम ही हैं। एंड यहाँ पे केक वेक सब कुछ कर चुका है एंड हम एक दूसरे को खिला भी दिए हैं, मम्मी ने बेबी को लिया है और वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो बस हमने उसको केक तो नहीं खिलाया, बस यहाँ पे साथ में रखे। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी क्योंकि मेरी जो भी है ना वो वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी क्लिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी दी फोटो ले रही है, यहाँ स्पॉश केक खा रहा है और ये ब्लॉग मैं बस यहीं तक रखूँगी, कल मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। एंड यहाँ पे सानवी सिस्टर और यहाँ पे स्पॉश को केक खिलाया जा रहा है और जो भी गिफ्ट्स वगैरह देने थे सब लोगों ने दे दिया है, लेकिन मैं अब यहाँ पे नहीं, ऐसे ही सब ने खरीद खरीद के दे दिया। और यहाँ पे सानवी कैमरे में आने के लिए मस्ती कर रही है और यहाँ पे केक खा रहा है मेरा भाई, तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ भी ले रही थी इसी वजह से ऐसे सब लोग रुक जा रहे हैं। और यहाँ पे देखे केक के लिए जो राहुल है वो इतना सारा केक लिया है और सब मांग रहे थे कि तुम ही सब खाएगा और केक का होता है ना सबको केक ही अच्छा लगता है, बट मेरी मम्मी को पसंद नहीं है। यहाँ पे फिर से मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो बस यही था आज तक का मेरा ब्लॉग और यहाँ पे हम चारों भाई बहन हैं, मतलब मेरी दी सबसे बड़ी है, उसके बाद मैं हूँ और उसके बाद जिसकी इंगेजमेंट हुई एंड उसके बाद मेरा छोटा भाई। तो बस यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुके हैं और मैं साथ ही साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं मेरे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।